साला ये करोना ने जीना हराम करके रख दिया। जिधर उधर जाता हूँ वैसे लोग कहते हैं मत डरो ना, क्या उखाड़ के जमा कर लेंगे ये अपना कोरोना। समझ में नहीं आ रहा कि तुम कोरोना को गाली दे रहे कि तारीफ कर रहे उसकी, लेकिन जो भी कहा सुन के बुरा लगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों ने मजाक बना के रखा इस बीमारी का। पर लोग तो कहते हैं इंडिया में धूप की वजह से कोरोना नहीं आएगा। हाँ चाइना वाले गोटा खेल रहे हैं जो इंडिया के लोगों ने इलाज निकाल लिया। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग इसके लिए पूजा और हवन कर रहे हैं और दारू पीने वालों को कभी कोरोना होता ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या कोरोना वायरस कोई भूत है जो इनकी पूजा और हवन से तड़प तड़प के मर जाएगा? और हाँ बेवड़ों का तो बताओ ही मत, उनको तो सिर्फ दारू पीने का बहाना चाहिए। ओ छोड़ो, ये देखो न्यू अपडेट, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे सारे लड़के एक होकर वीडियो बना के डाल रहे कि गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। उन सब लड़कों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं, क्या वो तुम्हारे मौसी का लौंडा है जो गो कोरोना गो बोलने से भाग जाएगा? लोग कुछ भी कहे पर हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया जनता कर्फ्यू करके। गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है, अब देखते आज रविवार है, शाम को 5 बजे क्या रिजल्ट आता है तो हम सबको बाहर निकल कर तालियां बजानी है शाम को 5 बजे। हाँ पहले मुंह को नकाब बांधकर बंदर बना दिया चाइना वालों ने, आज तालियां बजाकर किन्नर बना देंगे हमारे लोग। वैसे भी लोगों ने जिंदगी को मजाक बना कर रख दिया, कोरोना जैसा वायरस चाइना वालों ने पूरी दुनिया में फैला दिया। ये कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ है तुझे पता है? मैंने सुना है ये कोरोना वायरस मांस खाने से तैयार हुआ है। ये सही बात है, आज के दिनों में मांस इतना ज्यादा काटा जाता है कि उसकी गिनती नहीं है। आज तक मांस खाने की गिनती नहीं थी और आज लोग कितने मर रहे हैं उसकी गिनती नहीं है। इस वायरस की वजह से आज हजारों लोग मर रहे हैं फिर भी लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है, आज भी लोग मास पे मास खाए जा रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां बनाई खाने में तो ये लोग मासूम जानवरों को क्यों काट कर खाते हैं? अभी सुअर ने टट्टी खाना छोड़ा है जो इंसान मास खाना छोड़ दे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मास में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। हाँ सब्जियों में तो इनकी मौसी पादी है। आज कोरोना वायरस की वजह से हमारे जमाने की याद आ गई, क्या दिन थे वो। हाँ सवेरे खेतों में जाना, सब मिल के काम करना, दोपहर के टाइम में सब साथ बैठ के भाकर और हरी मिर्ची का ठेसा खाना, सब मिल के इधर उधर की बातें करना, शाम के टाइम में पूरी फैमिली घर के बाहर आंगन में बैठना, छत पे सोना। अब काय का छत पे सोना, लोगों ने लाया ना रास्ते पे कोरोना। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपने अपने घर में बैठकर आराम से रोना जब तक इंडिया से निकल नहीं जाता कोरोना।